तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा Redmi Go सिम रोम के बारे में। Redmi Go सिम रोम जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे अगर किसी को आप कॉल करते हैं अपने Redmi Go के फोन में, तो अगर आपका ऑप्शन आता है कि सिम वन में कॉल करें कि सिम टू में, जैसे कि अपने फोन में अगर आप दो सिम यूज करते हैं, तो ये कमेंट मुझे आ रहा था कि ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, ये ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं अब कोशिश के बाद वीडियो ला चुका हूँ, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर मेरे वीडियो को गलती हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा, उस वीडियो को मैं सुधार करूंगा। पर चलिए, जब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, फोन की सिम टू वाला ऑप्शन अगर ऑन करने के लिए आपको करना होगा तो अपने सेटिंग वाले पर जाना होगा। सेटिंग ऐप पर चल जाइएगा, फिर जाने के बाद नेटवर्क पर जाना होगा आपको। फिर सिम कार्ड का ऑप्शन एक दिखता होगा आपको, सिंपली सुट क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद देख लीजिए, मैंने एंटर कर दिया है सिम वन सिम टू। देखिए, मेरे जियो का है, BSNL का सिम है ना, देख सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन है यहाँ, आस्क एवरी टाइप अगर आप क्लिक करिएगा तो आपको वो हो जाएगा। आप जब यहाँ कॉल किसी को करिएगा तो आपका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि वो ऑप्शन इनेबल हुआ है कि नहीं। जैसे ही कॉल आपको खोलेंगे, आप खोलते हैं, थोड़ा वेट करिएगा। देखिए, किसी को कॉल अगर ऐसे क्लिक किया आप, तो देखिए सिम में वन पे करिएगा सिम टू पर, जैसे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा था कि सिम वन पे करके सिम टू पे, तो मारा भाई बता दिए तुमको कि कैसे करना है। देखिए, आप क्लिक करके अपना कर सकते हैं। चलिए, ऐसा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक।